ऐसा है गोरखनाथ, अगर हम तीनों इकट्ठे रहेंगे तो कोई भी एक घर से हम तीनों को भिक्षा नहीं देगा। तो फिर हम क्या करें? इसके लिए ऐसा करते हैं, हम सभी अलग अलग दिशाओं में भिक्षा मांगने चलते हैं और बाद में फिर यहीं पे मिल जाएंगे। चलो ठीक है भैया। ठीक है। अलग जगा हो नगरी नगरी जा, ले गुरु जी से आज्ञा चल झोली जुगत जचा। वचन गुरु जी का निभ जाएगा, चेला रोशन जगत में कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। रह गोरख अलख जगा हो नगरी नगरी जा, ले गुरु जी से आज्ञा चल झोली जुगत जचा। चेला जो गुरु जी का वचन निभाएगा, नाम जगत में निश्चय पाएगा। जाओ जाओ भिक्षा लाओ, साधु धर्म तेरा निभ जाएगा, साधु धर्म तेरा निभ जाएगा, पेट भरने को भोजन मिल जाएगा, चेला रोशन जगत में कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। रह गोरख अलख जगा हाँ नगरी नगरी जा, ले गुरु जी से आज्ञा चल झोली जुगत जचा। जगाना तो है साधु मर्यादा, द्वारे द्वारे अलख जगाई, भूखे भजन बिना हो पाएगा, तन डोल जाएगा, बिन भिक्षा ये पेट कैसे भर पाएगा, चेला रोशन जगत में कहलाएगा, हाँ लाएगा। रह गोरख अलख जगा हा नगरी नगरी जा, ले गुरु जी से आज्ञा चल झोली जुगत जचा। भोजन जो साधु जब खाएगा, ईश्वर को प्रसन्न कर पाएगा, चला रोशन जगत में कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। रह गोरख अलख जगा हाँ नगरी नगरी जा, ले गुरु जी से आज्ञा चल झोली जुगत जचा। Thank you.
में होती अपनी भलाई, द्वारे पे जाके बोलो भिक्षा दे माई। सच्चा सच्चा वही साधु सच्चा, कड़वी मीठी सारी जो सह जाएगा, सह जाएगा ना गुस्साएगा, जीवों पे जो करुणा बरसाएगा, चेला रोशन जगत में कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। रहे गोरख अलख जगा, हाँ नगरी नगरी जा, ले गुरु जी से आज्ञा, चल झोली जुगत जता, वचन गुरु जी का निभ जाएगा, चेला रोशन जगत में कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। रह गोरख अलख जगा, हाँ नगरी नगरी जा, ले गुरु जी से आज्ञा, चल झोली जुगत जता, ले गुरु जी से आज्ञा, चल झोली जुगत जता। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये लो बाबा, कल हमारे लड़के की शादी थी, तुम ये कुछ लड्डू और दही बड़े ले जाओ। लाओ माता, इसमें डाल दो। अलख निरंजन। कमाल है, आजकल कितने छोटे छोटे साधु होने लगे। गुरुजी प्रणाम। आओ मेरे शिष्यों, आज क्या लेकर आए हो भिक्षा में? कुछ खास नहीं गुरुदेव, थोड़ा आटा और चावल है। गोरखनाथ, तुम क्या लेकर आए हो, हमें दिखाओ जरा। क्यों नहीं गुरुजी, ये लो भोजन ग्रहण करो। अरे गोरख, तुम ये लड्डू व दही बड़े कहाँ से लेकर आए? गुरुजी, एक माई ने दिए थे, कल उनके यहाँ लड़के की शादी थी। आओ मेरे शिष्यों, खाओ तुम भी। नहीं गुरुदेव, पहले आप स्वयं खाएं, हम बाद में खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट दही बड़े हैं बेटा गोरख, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अगर एक दो दही बड़ा और होता तो कितना आनंद आता। आप निराश न हो गुरुजी, मैं अभी आपके लिए और दही बड़े ले आता हूँ। वो बहुत अच्छी माई थी, इनकार नहीं करेगी। अभी रहने दो गोरख, वो पता नहीं देगी या नहीं। नहीं गुरुजी, वो बहुत अच्छी माई थी, मैं अभी लाता हूँ।
आप थोड़ा इंतजार करें। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे बाबा तुम फिर आ गए, मैंने अभी तो तुम्हें भिक्षा दी थी, अब क्या लेने आए हो? माता आपने जो भिक्षा दी थी वो मैंने गुरुजी को दे दी, आपके दिए हुए दही बड़े उन्हें बहुत पसंद आए, कृपया एक दो दही बड़ा और दे माता। अच्छा उम्र इतनी सी और अभी से चालाकी करने सीख गया, क्यों खामखा अपने गुरु को बदनाम करता है, ये क्यों नहीं कहता कि मेरी जीभ चटोरी हो गई है? नहीं माता ऐसी बात नहीं है, मैं मेरे गुरुजी के लिए ही दही बड़े लेने आया हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरे को बेवकूफ बनाते हो, अभी तुम गए थे, इतनी देर में तुम गुरुजी के पास भी चले गए और उन्होंने भोजन भी कर लिया, कुछ तो शर्म करो, योगी होकर झूठ बोल रहे हो। राम राम। नहीं माता मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे एक दो दही बड़ा और दे दे। मैं तुम जैसे ढोंगियों को अच्छी तरह जानती हूँ, चले जाओ, मैं तुम्हें दही बड़ा नहीं दूंगी। भिक्षा डालो द्वार पे योगी आया और दो...
माता, आप मुझे दही बड़ा दे दें, चाहे तो आप इसके बदले में कुछ भी मांग ले। माता, मांगने को क्या है तेरे पास जो तुम मुझे दोगे? अगर ऐसा देने को होता तो इस तरह हाथ फैलाते क्यों फिरते तुम? नहीं माता, आप मांग कर तो देखिए, मैं आपको वही चीज दे दूंगा। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी एक आँख चाहिए, एक आँख चाहिए, एक आँख चाहिए। बोलो, दोगे? है कोई तुम्हारे पास जवाब? हाँ माता, मैं अपनी आँख अभी निकाल कर देता हूँ। आप इतने दही बड़े ले आए। अरे ये क्या? ये लो माता, मैंने मेरी आंख निकाल दी, अब मुझे दही बड़े दे दो। अरे बाबा, ये तुमने क्या किया? मैंने तो वैसे ही गुस्से में कह दिया था और तुमने राम राम सचमुच ही आंख निकाल दी। ये लो बाबा दही बड़े, और अपनी आंख भी अपने पास रखो, अब जाओ यहाँ से। राम राम। नहीं माता, लीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ बाबा, जाओ यहाँ से। ये लो गुरुजी, आपके लिए दही बड़े लाया हूँ। यहाँ रख दो बेटा। अरे ये क्या गोरख? मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हारी आँख को? बताओ किसने किया ये सब?
मैं उसे अभी भस्म कर देता हूँ। बताओ गोरख, क्या हुआ तुम्हारी आँख को? गुरुजी, जिस माई से मैं आपके लिए दही बड़े लेने गया था, उसने दही बड़े देने से इनकार कर दिए। बोली, तुम्हारी जीभ चटोरी हो गई है, तुम गुरुजी के नाम पर खुद दही बड़े खाना चाहते हो, और उसने मेरे बहुत कहने पर दही बड़े के बदले में एक आँख मांगी, और गुरुजी, जब मैंने आँख निकाल कर दी तो उसने लेने से ही इनकार कर दिया। कितना गुरु भक्त है रे गोरख, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हुआ, जो तुमने मेरी छोटी सी खुशी की खातिर अपनी आँख निकाल कर दे दी। गुरुजी, यह तो केवल आँख थी, अगर आपके लिए मुझे अपना शीश भी देना पड़ता तो भी मैं उसे निसंकोच काट कर दे देता, लेकिन मेरे लिए गुरु आज्ञा सबसे बड़ी है। वाह बेटा गोरख, मैं धन्य हुआ। लाओ बेटा अपनी आँख मुझे दो, तुम्हारी आँख में वापिस लगा देता हूँ। बेटा गोरख, आज मुझे पता चला कि तुम कितने गुरु भक्त हो। तुम पूरे संसार में नाथ संप्रदाय का नाम रोशन करोगे। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे तुम्हारे जैसे शिष्य का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए गोरख। अब बताइए गुरुजी, मेरे लिए क्या आदेश है? शिष्य गोरख, मैंने तुम्हें समस्त योग विद्याओं से अवगत करा दिया, लेकिन ये सभी विद्याएं भगवान शिव की कृपा के बिना अधूरी हैं, इसलिए तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। इसके बाद ही तुम्हारी सभी विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण होंगी और तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे। वे बड़े से बड़े संकट से आसानी से निपट पाने में सक्षम होगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है गोरखनाथ। लेकिन आप मेरे साथ नहीं चलेंगे गुरुजी? नहीं गोरख, हमारा साथ यहीं तक ही था। मुझे अभी कई स्थानों का भ्रमण करना है, उचित समय आने पर मैं तुमसे भेंट करूंगा गोरखनाथ। मेरे शिष्यों, तुम भी अलग अलग दिशाओं में जाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाओ और अपना वैनाथ संप्रदाय का नाम रोशन करो। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। अच्छा गुरुजी, मुझे आज्ञा दे, प्रणाम। यशस्वी भव मेरे शिष्य, यशस्वी भव। अच्छा गुरुजी, हमें भी आज्ञा दें, प्रणाम। ईश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहे, तुम्हारा कल्याण हो। हे वीर बजरंगी, भगवान दत्तात्रेय जी के शिष्य और कवि नारायण के अवतार नाथ पंथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ का प्रणाम स्वीकार करें। हे मच्छिंद्र नाथ जी, आप भी भगवान श्री राम भगत पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। हे हनुमान जी, आज मेरा सौभाग्य है जो आपने स्वयं मुझे दर्शन दिए, लेकिन ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जो आपको स्वयं मेरे पास आने का कष्ट उठाना पड़ा? आप मुझे आदेश करते हनुमान जी, मैं स्वयं आपके पास पहुंच जाता। नहीं मच्छिंद्र नाथ जी, मैं आपको आदेश भला कैसे कर सकता हूँ? आप तो स्वयं कवि नारायण के अवतार हैं। मैंने तो केवल भगवान श्री राम जी से ही वरदान प्राप्त किया है, लेकिन आपने तो कठोर तपोबल से सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया है। मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ नाथ शिरोमणि, कि अब आप त्रिया राज्य में चले जाओ और वहाँ आराम से रहो। आपकी और मेरी भेंट व्यर्थ नहीं हुई, आपके कारण मेरा सारा बोझ हल्का हो गया। वह किस प्रकार हनुमान जी, जरा विस्तार से बताएं। बात उस समय की है मच्छिंद्र नाथ जी,
जब हम रावण को मारकर व लंका को जीतकर पुष्पक विमान से अयोध्या वापिस आ रहे थे, हमारे संग माता सीता भी थी। क्या बात है सीते, तुम मुझे कुछ दुविधा में लगती हो, क्या हुआ? कुछ नहीं स्वामी, मैं सोच रही थी कि हनुमान आपका परम भक्त है और आपके लिए बहुत कष्ट भी उठाए हैं, इसलिए अब मैं इसकी शादी करवा संतति और संपत्ति दोनों का सुख पहुंचाऊंगी। लेकिन इस कार्य के लिए हनुमान जी का राजी होना कठिन है, इसलिए हनुमान को आप शादी के लिए कहें। नहीं सीते, मैं ऐसा कदापि नहीं कह सकता। हालांकि हनुमान मेरा परम भक्त है, फिर भी मैं जानता हूँ कि हनुमान इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अगर आप स्वयं ही पूछ कर देख लें तो बेहतर होगा। बेटा हनुमान। आदेश करें माता। तुम धन्य हो बेटा, जो तुमने हमारी इतनी सेवा की है। मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, बोलो दोगे? ऐसा कौन सा कार्य है माता जिसके लिए आपको वचन मांगना पड़ रहा है? और फिर मैंने तो कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया, आप मुझे बताएं माता आप क्या चाहती हैं? नहीं हनुमान, तुम पहले मुझे वचन दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। ठीक है माता, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और एक माता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहती। मैं आपको वचन देता हूँ माता, आप जो कहेंगी मैं उसे अपने प्राण देकर भी पूरा करूँगा। क्या कह डाला कांप गया तेरा लाला, मात क्या कह डाला कांप गया तेरा लाला। मोहे रास आए ना शादी भाई, करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। काहे को तुड़वाए, शादी की करने से संगिनी मिलने से, शादी की करने से संगिनी मिलने से ये जीवन और निखर जाए। बात क्या कह डाला कांप गया तेरा लाला, बात क्या कह डाला कांप गया तेरा लाला। मोहे रास आए ना शादी भाए, करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी, करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। घर बस जाए वंश चल जाए, करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। Thank you.
कहीं सुख जैसे ना मिलता। मैया तन मोरा मैया मन मोरा, राम भजन बिन रहे जलता। श्री राम बसे हैं मेरे मन में, किसको और बसाऊं। प्रभु नहीं रूठेंगे साथ में हम होंगे, प्रभु नहीं रूठेंगे साथ में हम होंगे। अब सहरा सिर तेरे बंध जाए। मात क्या कह डाला, कांप गया तेरा लाला। मात क्या कह डाला, कांप गया तेरा लाला। मोहे रास आए ना शादी भाए, करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी, घर बस जाए वंश चल जाए। करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। पहाड़ पर चढ़वाए माया में भर माया मैया, जिसने प्यार चाया। पुत्र तू भोला है मौका अनमोला है, पुत्र तू भोला है मौका अनमोला है। ना आए हाथ फिर ना आए। मात क्या कह डाला, कांप गया तेरा लाला। मात क्या कह डाला, कांप गया तेरा लाला। मोहे रास आए ना शादी भाए, करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी, घर बस जाए वंश चल जाए। करा हनुमत शादी बहु बात मैया मानी दिल से पहचानी। पुरुषों में पुरुष उसे मिल जाए, माँ की इच्छा पूरी करना पुत्र धर्म कहलाए। बाहर मिल लाला धन्य तूने कर डाला, बाहर मिल लाला धन्य तूने कर डाला। तेरी उम्र युगों तक हो जाए। मात क्या कह डाला, कांप गया तेरा लाला। मात क्या कह डाला, कांप गया तेरा लाला। मोहे रास आए ना शादी भाए, करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी, घर बस जाए वंश चल जाए। करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। मात क्या कह डाला, कांप गया तेरा लाला। करा हनुमत शादी बहु आई शहजादी। मात क्या कह डाला, कांप गया तेरा लाला। ये आप क्या कह रही हैं माता, शादी और मैं, ये कैसे संभव है? हनुमान तुम जरा भी मत घबराओ, तिरिया राज्य की सारी नारियां तुम्हारी होंगी। मुझे और तुम्हें चार युगों के बाद बारंबार जन्म लेना पड़ता है,
मेरे और प्रभु के 99 जन्म हो चुके हैं और तुम भी 99 हनुमान हो। रावण का भी 99वां जन्म था। उसके मर जाने के बाद अब तुम्हें तिरिया राज्य में जाना होगा। अब वह समय आ चुका है। समय के अनुसार चलना हर इंसान का परम धर्म है। लेकिन माता, मैं तो अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता हूँ, जिसे मैं अपनी जान देकर भी कायम रखूंगा। माता, आप इसके बदले में चाहे तो मेरे प्राण मांग लें, लेकिन मुझे तिरिया राज्य भोगने की न कहे माता, न कहे। हनुमान, तुम अपने दिए हुए वचन से विमुख हो रहे हो, इसके लिए तुम्हें भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हे श्री रामचंद्र, आप चुप क्यों खड़े हैं? आज आपका भगत संकट में है भगवान, इसका कोई तो उपाय निकालिए, जिससे मेरा ब्रह्मचार्य धर्म सुरक्षित रहे और मैं माता का वचन भी पूरा कर सकूं। हे हनुमान, तुम ऊर्ध्व रेश हो, इसलिए तुम्हारे भुभकार करने से ही वहां की नारियां गर्भवती हो जाएंगी। इसलिए तुम अपने मन से चिंता बिसार दो और तिरिया राज्य जाया करो। इस तरह तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भी बना रहेगा और तुम अपने दिए हुए वचनों का पालन भी कर सकोगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो मच्छंदर नाथ जी, इस प्रकार मैं श्री रामचंद्र जी के कहने पर तिरिया राज्य में गया, जहाँ की रानी मैनांकिनी है। रानी मैनांकिनी ने मुझे वहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए विवश किया, लेकिन मैंने उन्हें वचन दिया कि एक दिन यहाँ पर योगी मच्छंदर नाथ आएंगे, जो साक्षात कवि नारायण के अवतार हैं। अतः अब आप वहाँ पहुँचकर रानी की मनोकामना पूर्ण कर राज्य सुख भोगो। ऐसी भामिनी देवताओं को भी मिलनी मुश्किल है। हे हनुमान जी, आपका कहना उचित है, लेकिन मैं भी तो उद्धव रेश हूँ और मेरे तिरिया राज्य में जाने से मेरा ब्रह्मचारी व्रत खंडित होगा और दुनिया भर में नाथ संप्रदाय की बदनामी होगी। इसलिए हे हनुमान जी, ये पाप कर्म आप मुझसे न करवाएं। हे मच्छंदर नाथ जी, अनादिकाल से जो रीति चली आ रही है उसमें पाप कैसा? जिस तरह 99वां हनुमान, उसी तरह 99वां मच्छंदर नाथ, और फिर इसी क्रम से मोनीनाथ का जन्म आपके द्वारा होता आया है। आप तनिक भी मत घबराइए योगीराज, आपकी कृति सूर्य के समान ही चमकेगी। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार हनुमान जी ने काफी मुश्किल से समझा बुझाकर मच्छंदर नाथ को तिरिया राज्य में जाने के लिए राजी कर लिया। गुरु मच्छंदर नाथ भी हनुमान जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। दोनों संत एक दूसरे को प्रणाम कर अपने अपने रास्ते चल पड़े। उधर बालक गोरख घने जंगलों में एकांत स्थान पर आसन लगा मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये जाप करते करते
वर्षों बीत गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब तो उनके मन से निकली हुई ओम नमः शिवाय की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इंद्रदेव इससे कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी तो हमेशा यही सोच रहती थी कि कोई जप तप करता है तो वह केवल इंद्रलोक को पाने के लिए ही करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे अग्निदेव, मैं पागल हो जाऊंगा। इस ओम नमः शिवाय की गूंज से पता लगाओ ये कौन है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। वो हमने पता लगा लिया है देवराज इंद्र। तो जल्दी बताओ ये कौन है, इसकी वाणी हमारे कलेजे को छलनी कर रही है। हे देवराज इंद्र, ये तपस्या पृथ्वी लोक पर योगी मच्छंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ कर रहा है, जो बाल्यावस्था से ही तपस्या पर बैठा था और अब युवावस्था में है। इस तरह कई वर्षों से बिना कुछ खाए पिए ही ये ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। क्या इतनी कठोर तपस्या? लेकिन इतना कठोर तप करने का उसका प्रयोजन क्या है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वो पाने के लिए भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? नहीं देवराज इंद्र, हम इस बात का पता नहीं लगा सके कि उनकी तपस्या करने का अभिप्राय क्या है। देवराज, उनकी तपस्या तो लगता है कि उनकी भगवान शिव से कोई दुर्लभ और मांगने की मंशा है। जैसे 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 क्या अग्निदेव, रुक क्यों गए? जैसे से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम क्या कहना चाहते हो? दुर्लभ वर में क्या हो सकता है जो वो भगवान शिव से मांग सकती हैं? अक्षमा करें देवराज इंद्र, दुर्लभ वर में स्वर्ग लोक का सिंहासन भी हो सकता है। अग्निदेव, बोलने से पहले कुछ सोच भी लिया करो। हम देवराज इंद्र हैं, हमारे होते कोई और यहाँ का अधिपति नहीं हो सकता। हम अभी सेना के साथ गोरखनाथ पर चढ़ाई करते हैं, उसकी तपस्या भंग कर देंगे हम। ये क्या देवराज, इतने छोटे से कार्य के लिए आप क्यों कष्ट करते हैं? फिर गोरखनाथ का अभी तपस्या करने का प्रयोजन भी नहीं मालूम, ऐसे में आपका सेना के साथ चढ़ाई करना कहाँ की समझदारी है देवराज? इस तरह तो पूरे समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल ही होगी। तो आप ही बताएं कि हम क्या करें अग्निदेव, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। हम कई बार इसी तरह अपना सिंहासन गवा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराए, इसलिए जल्दी से इसका उपाय बताएं कि किस प्रकार हम गोरखनाथ की तपस्या भंग करें। इसका तो एक ही उपाय है देवराज, आप वही चाल अपनाएं जिससे आपने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था। यानी
यानी स्वर्ग अप्सरा मेनका को भेजकर। तुम ठीक कहते हो अग्निदेव, मेनका ने तो महातपस्वी ऋषि विश्वामित्र को ही तप छोड़ने पर विवश कर दिया था, फिर गोरखनाथ की तो बात ही क्या है। आदेश करें देवराज, आपकी दासी मेनका के लिए क्या आदेश है? मेनका, तुम्हें आज फिर वही कार्य करना है जो काफी वर्षों पहले ऋषि विश्वामित्र के साथ किया था। तुम्हें पृथ्वी लोक जाना है और वहां पर गोरखनाथ नाम का योगी कई वर्षों से भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहा है। तुम्हें अपने मोहिनी रूप से उस योगी को अपने वश में करके उसका ध्यान तपस्या से हटाना है। बाकी तुम इस मामले में स्वयं बहुत समझदार हो। आप चिंता ना करें देवराज, मैं अपना काम बड़ी होशियारी से करूंगी। गोरखनाथ को ये भी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं स्वर्ग की अप्सरा मेनका हूँ। मैं अपना कार्य पूर्ण करके अभी आई। देवराज, अब मुझे आज्ञा दे। जाओ मेनका, तुम अपने कार्य में सफल होकर ही लौटना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। I'm
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे योगी, आंखें खोलो, आंखें खोलकर देखो तुम्हारे सामने कौन है। मैं एक दुखियारी हूँ, इस जंगल में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। अगर आप आंखें नहीं खोलोगे तो मैं आपकी समाधि के सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। हे योगी राज, आंखें खोलिए। योगी राज, आप अपनी आंखें खोलिए। हे देवी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में यहाँ कैसे पहुँची? हे योगी राज, मैं इस जंगल के नजदीक एक राज्य सुखीपुर पड़ता है। मैं वहाँ के राजा जयंत मणि की बेटी हूँ। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ योगी राज। तो ठीक है राजकुमारी, हम तुम्हें अपनी स्कोर दृष्टि से जंगल के बाहर जाने का रास्ता दिखा देते हैं। मैं बाहर जाने के लिए अंदर नहीं आई योगी राज, बल्कि मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई हूँ, आपकी अर्धांगिनी बनकर। अपनी वाणी और अपने मन पर संयम रखें राजकुमारी, हम अखंड ब्रह्मचारी हैं। हमारे सामने इस प्रकार की बातें करने की तुमने हिम्मत कैसे की? आप जैसे योगी पुरुष को देखने से हिम्मत तो स्वयं आ ही जाती है। बस, हमें और ज्यादा क्रोधित मत करो। हम यति हैं राजकुमारी, हमारे लिए संसार की हर एक औरत माँ व बहन के समान होती है। आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए। नहीं योगी राज, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे लिए आपके बिना अब ये संसार व्यर्थ है। मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी और एक नारी हत्या का पाप आपके सर होगा योगी राज। फिर आपको इस खामोश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तपस्या में बाधा डालने की? तुम कोई राजकुमारी नहीं बल्कि सौरभ की अप्सरा मेनका हो, और तुम किस उद्देश्य से यहाँ आई हो वो हमें अच्छी तरह मालूम है। तुमने हमारे सामने असत्य वचन बोलने का और तपस्या भंग करने का प्रयास किया है, इसका दंड हम तुम्हें अवश्य देंगे मेनका। नहीं, ठहरिए महाराज, ठहरिए, मुझे क्षमा कर दें। जो मैंने आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि देवराज इंद्र ने मुझे यहाँ भेजा है और उनका आदेश मानना मेरा कर्तव्य है। मुझे क्षमा कर दे योगी राज, मुझे क्षमा कर दे। तो ठीक है मेनका, चली जाओ यहाँ से और अपने देवराज इंद्र से कह देना कि वो मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास न करे, वरना परिणाम भयंकर होंगे और आइंदा तुम भी किसी साधु योगी की तपस्या भंग करने का दुस्साहस मत करना। हम तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं, वरना इस अपराध के लिए हम तुम्हें भस्म कर देते। अपने इस बचे हुए जीवन को हमारी सौगात समझना। अब चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। ओम नमः शिवाय। 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 अग्निदेव, ये ओम नमः शिवाय का उद्घोष फिर से कैसे शुरू हो गया? क्या गोरखनाथ फिर से तपस्या करने लगा? देवराज इंद्र की जय हो। क्या हुआ मेनका, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी क्यों? तुम्हारे हाव भाव देखकर ये प्रतीत होता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। क्षमा कीजिए देवराज, मेरे काफी प्रयत्न करने पर भी गुरु गोरखनाथ अपने ब्रह्मचार्य व्रत पर अडिग रहे। मेरा रूप सौंदर्य का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्या? हाँ महाराज,
मैंने ऐसा सिद्ध योगी आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उनके चेहरे पर जो तेज था, ऐसा लगता था मानो मैं साक्षात भोलेनाथ के सामने खड़ी हूँ। मेनका, हमने तुम्हें गोरखनाथ की अच्छाई गिनाने नहीं भेजा था। क्षमा करी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सकुर दृष्टि से ये देख लिया कि मैं स्वर्ग की अप्सरा मेनका हूँ और वो क्रोध से लाल हो गए। फिर क्या हुआ? फिर देवराज, वो तो मुझे भस्म ही कर देते। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे प्राण बख्शे हैं महाराज, और साथ ही ये भी कहा है कि देवराज इंद्र से कह देना कि मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश ना करें, वरना परिणाम भयंकर होंगे। परिणाम भयंकर होंगे, ठीक है, तुम जाओ, अब मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गोरखनाथ ने मुझे चेतावनी दी है, देवराज इंद्र को चेतावनी दी है, हम इसका जवाब देने स्वयं जाएंगे। इतने छोटे से कार्य के लिए आपका जाना शोभा नहीं देता देवराज, आप स्वर्ग के अधिपति हैं, आप मुझे ये अवसर प्रदान करें, फिर देखना मैं गोरखनाथ का क्या हशर करता हूँ। हमें तुमसे यही उम्मीद थी अग्निदेव, तुम जाओ और विजयी होकर ही वापिस आना। जो आज्ञा देवराज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब बोल गोरखनाथ, तुम्हारे आगे तुम्हारी मौत आई है। ओम, अरे वो तो औरत थी, कभी तुम्हारा मर्दों से पाला नहीं पड़ा। मेरी हुकार मात्र से बड़े बड़े असुर, दैत्य, मानव, योगी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। फिर तुम तो, मुझे मालूम है तुम मेरी सारी बातें सुन रहे हो और जानबूझकर आंखें नहीं खोल रहे हो। तुम कायर हो गोरखनाथ, तुम कायर हो।